सर, स्कूल में जो आज अवेयरनेस का प्रोग्राम किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे जो उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार हमने स्कूलों में ना स्टूडेंट की पाठशाला नाम से कार्यक्रम स्टार्ट किया, जो पूरे चंडीगढ़ के स्कूलों में किया जा रहा है। इसमें हम बच्चों को सेग्रीगेशन के बारे में बता रहे हैं कि कितने प्रकार के कूड़े हैं उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन है उसके बारे में बता रहे हैं, और होम कंपोस्टिंग के बारे में बता रहे हैं, ताकि बच्चे, पहली सीढ़ी होती है, बच्चे को हम गाइड करेंगे तो वैसे वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे आस पड़ोस में बात। ये रोजाना कितने स्कूलों में आप लोग जाके अवेयर करते हैं? देखो जी, हमारा मेरा वार्ड 6 है, तो 6 के वार्ड में जो स्कूल आज के डेट पे लाती है वहाँ पे मैं करवा के आता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में? गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी हैं। जो लिस्ट बनी हुई है निगम की तरफ से जो पेंडिंग स्कूल थे उनको इसके लिए वेरीफाई किया जा रहा है, और वहाँ पे जाके ये बच्चों को बताया जा रहा है। बच्चों से बात करके कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, क्या उनको समझ आ रहा है जो आप समझा रहे हैं? बच्चों से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि काफी एक्टिव हैं और वो कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो उन्होंने, बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया और समझ भी रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे और जरूर हम इस चीज में अच्छा सुधार लेके आएंगे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? बस मेरी आपके चैनल्स के माध्यम से यही है, रिक्वेस्ट है कि होम कंपोस्टिंग, जिला कूड़े से हम होम कंपोस्टिंग बना सकते हैं, हम अपने घर में बनाएं, दफ्तरों में बनाएं, ये जरूर करें और स्कूलों में भी करें। और सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे आपको पता है बैन है, तो जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तभी बदलाव ला सकते हैं, खाली मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसमें आप सब लोग सहयोग करेंगे तभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर सकते हैं हम। और 4 प्रकार का गार्बेज अगर अलग अलग हो जाएगा तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो करना बहुत जरूरी है जिससे कि पर्यावरण को भी हम बचा सकते हैं। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना न भूलें।